तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब स्टडी पॉइंट। तो इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ न्यू सिलेबस, जो कि आपको पता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे 2020 और 21 का जो सेशन है आपका, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो कम हुआ है, वो आपको न्यू हम स्टार्ट कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जो इसका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रखा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें से बहुत सारे चैप्टर है जो आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। और उसमें एक और जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज्यादा पार्ट में बनी हुई है, छोटी छोटी वीडियोस है 10-10 मिनट की, लेकिन 7 या 8 पार्ट में है, तो उसमें थोड़ा बच्चों को जो है दिक्कत हो रही है। तो ये वाली जो आपकी वीडियो बनेगी, इसके 1 या 2 पार्ट होंगे केवल, और आपके यही चैप्टर कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं जो बुक नंबर फर्स्ट है आपका, जिसमें हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हो। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखिए आपको क्या कराया जाएगा। दोस्तों, आपको कराया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी जो होती है आपकी बुक, उसके अकॉर्डिंग आपका इंडेक्स होगा, ठीक है, चैप्टर का नाम होगा, हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं हेडिंग जो है इस प्रकार लिखूंगा कि उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, परिचय वाला, तो उसे मैं आपको जो उसके 2 टॉपिक है जो उसमें आएंगे, जो दिए हुए, वो तो कराऊंगा ही, साथ में एनसीईआरटी वाले बच्चों को पता होगा जो शब्दावली दी हुई है पीछे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी डेफिनेशन जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, तो वो सारी जो चीजें हैं मैं आपको इसी पहली वीडियो में, पहले चैप्टर में जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1। अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, तो बिल्कुल आपका वो सेम है, सिंपल सा चैप्टर है जो आपका नेशनल इनकम वाला, ठीक है, और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स वो वाला जो चैप्टर है वो आपको मैं कराऊंगा, सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो बहुत इजी है, मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर है, जो आपका पहले भी हुआ था और इस बार भी है, ठीक है। तो ये जो मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर है, ये भी आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 3rd है ये, ठीक है। साथ के साथ दोस्तों, मैं आपको नंबर भी बताते चलता हूँ कि किससे कितने नंबर का आएगा। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इसमें आपके 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मनी और बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 6 मार्क्स का आएगा। अगर हम आगे चले चैप्टर नंबर 3rd के ऊपर, सॉरी 4th के ऊपर, तो इसमें जो है, इसमें है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपका आएगा यहां से 12 मार्क्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, उसको देखते हैं। गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये वाला जो चैप्टर है आपका दोस्तों, मिलेगा आपको 6 मार्क्स का, और ये भी जो है मैं आपको कराऊंगा। चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचते हैं हम यहां पर, तो ये जो है आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो सॉरी चैप्टर है, जो मैं आपको यहां पर कराऊंगा, ठीक है। यहां समझते हैं, यहां से लेके आपका जो है बुक नंबर जो फर्स्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको पता चल गया 6 चैप्टर है, उसके जो मार्क्स है मैंने आपको बता दिए हैं। पहला चैप्टर मैं आपको किस प्रकार कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पहला चैप्टर। आपको कई सारी डेफिनेशंस जो कि काफी मुश्किल लगती है बच्चों को, वो सारी जो है मैं आपको पहले चैप्टर में ही करा दूंगा, ठीक है। तो यहां तक अपना जो हिसाब है वो क्लियर है, 40 मार्क्स का आपका ये जो पहला बुक होगा ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। अब जो 40 मार्क्स का एक और है, जिसकी ऊपर अगर हम बात करें, तो वो है सेकेंड बुक, यानी कि डेवलपमेंट वाली, जिसे कहते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास। तो इसके चैप्टर देखते हैं और इसके मार्क्स देखते हैं। आपका जो, आपको पता ही होगा ये बुक आपकी पूरी थ्योरी है और बहुत ही ज्यादा इजी भी होती है। तो यहां से समझिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि 1947 से 90 तक की है, इकोनॉमी रिफंड्स से 1991, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर होगा दोस्तों, ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है, ठीक है। और जिसका सेकेंड चैप्टर है वो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, उसे भी देखते हैं। सेकेंड चैप्टर है दोस्तों जो करेंट चेंजेस हुए, करेंट चैलेंजेस जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, ठीक है, करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो है, ये आपका है 22 मार्क्स का चैप्टर, ठीक है।
और जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सकती है चैप्टर। उसके बाद दोस्तों इसके थर्ड चैप्टर के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो चैप्टर है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ये तो दोस्तों आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा मजेदार फ्री के नंबर वाला चैप्टर है। इसमें हम क्या करेंगे, इंडिया की और इसके जो पड़ोसी देश है उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम पिछले बार भी कर चुके थे और इस बार भी है, काफी अच्छा चैप्टर है। तो ये चैप्टर दोस्तों आपका कितने मार्क्स का, ये है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो यहां तक हमने सारी जो बातचीत है वो कर ली है चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और सॉरी बुक नंबर फर्स्ट की और बुक नंबर सेकेंड की, दोनों में से आपके 40-40 मार्क्स के आएंगे और ये टोटल आपके यहाँ से 80 मार्क्स बन जाएंगे। और आपको पता ही है जो 20 मार्क्स होते हैं ये आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, जिसमें आपका वायवा ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, टोटल आपका जो ये 100 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो न्यू सिलेबस ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स, कि कितने बच्चे चाहते हैं कि ये जो नया सिलेबस जो है हम स्टार्ट कराएं। ठीक है, तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी और शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना जो रिस्पॉन्स है दिखाना पड़ेगा। कमेंट जरूर करें कि कौन से बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और कौन से बच्चे कैसे किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हो कि ये जो नया सिलेबस है स्टार्ट हो कि नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको फीडबैक देना बहुत ही ज्यादा बहुत जरूरी है, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। साथ ही कोई नया बच्चा हमारी इस वीडियो को देख रहा है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकता है जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, रिस्पॉन्स जरूर दिखाएं, आपको अपना जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है आपका जो ये नया सिलेबस है हम इसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आप हमारी पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हो तब तक, क्योंकि वो सभी चीजें उसमें कराई गई है। दिक्कत सिर्फ बच्चों का एक ही आ रही है, वो ये है कि वो बहुत ज्यादा पार्ट में है। ठीक है, और कई सारे बच्चे प्लेलिस्ट को नहीं ढूंढ पाते और उनको जो पार्ट वाली जो वीडियो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अब जो ये नई वीडियो स्टार्ट होगी और ज्यादा से ज्यादा एक या दो पार्ट में होगी। ठीक है, हमने अभी तक यही सोचा है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर हुआ तो उसे देखेंगे 3 में भी ले जा सके, लेकिन इसके ज्यादा पार्ट हम नहीं बनाएंगे, लंबी वीडियो बनाएंगे और खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।